नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का जो दोस्त है एक देश इज़राइल, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि वो उस ड्रोन अटैक में बाल बाल बच गए हैं। बचने का रीज़न ये था कि जब वो अटैक हुआ वो उससे पहले अपने घर से बाहर जा चुके थे, इसलिए उनकी जान बच गई है। लेकिन आपको दोस्तों बताता हूँ कि आखिर हमला ये किसने किया था और किधर से हुआ था, कैसे किया था, और उस वक्त इनके डिफेंस सिस्टम जो थे वो क्यों नहीं इसे रोक पाए, आखिर क्या समस्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास, हिजबुल्ला और ईरान, इन सब के साथ इज़राइल इस वक्त फंसा हुआ है युद्ध में। हालांकि इज़राइल ईरान से डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में युद्ध कर रहा है। अभी जो डायरेक्ट युद्ध लड़ रहा है वो हिजबुल्ला और हमास से लड़ रहा है। तो हिजबुल्ला ने एक सिंगल ड्रोन भेज दिया और वो सिंगल ड्रोन चलता चला आया इज़राइल की राजधानी तेल अविव में, और वहाँ पर एक बड़ा सा घर है नेतन्याहू का, प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इज़राइल के, उनका घर है। और उस ड्रोन ने वहाँ पर अटैक किया उनके घर को और काफ़ी डैमेज पहुँचाया घर को, लेकिन उसमें नेतन्याहू बाल बाल बच गए क्योंकि ये हमले से पहले जा चुके थे। अभी क्या है कि दोस्तों, इनके पास डिफेंस सिस्टम भी बहुत तगड़े हैं इज़राइल के पास, आयरन डोम, जो अपनी उपयोगिता कई बार दिखा चुका है। इसके बाद थार भी दे रखा है इज़राइल ने, इज़राइल को यूएसए ने, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भी इसको नहीं पकड़ पाया। अगर ये मल्टीपल केसेस होते ड्रोन तब तो ये पकड़ लेते, लेकिन ये सिंगल था और हिजबुल्ला को अपना इतना कॉन्फिडेंस था कि वो एक सिंगल ड्रोन भी भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, वो भी सक्सेस हो जाएगा, उनको ये उम्मीद थी पूरी, और लगभग वो ऐसा हो भी गया। ये ड्रोन अकेला चलाया, सोचिए अगर उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अगर अपने घर के अंदर होते तो वो इस हमले में मारे भी जा सकते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकता था। लेकिन वो बच गए क्योंकि वो बाहर चले गए, लेकिन हिजबुल्ला ने जो काम करना था वो लगभग कर दिया था। अब ये इज़राइल को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से अगर होगा तो इनके साथ कैसे बात बनेगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को कैसे भी करके ईरान चाहता है कि इस वक्त मार दें, इससे उनको थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा, उनका थोड़ा सा जो आत्मसम्मान है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा उनको। क्योंकि आज के टाइम पर हमास हो या हिजबुल्ला हो, इसकी लीडरशिप को पूरी तरह से इज़राइल ख़त्म कर रहा है, और जब ये ख़त्म कर रहा है तो इससे उनका मोरल डाउन हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारी फोर्सेस जो हैं, लोग लड़ाके जो भी हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़े, वो कॉन्फिडेंट फील करें, उनको लगे कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा उनको फीलिंग है। तो इसलिए नेतन्याहू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए कि किसी भी तरीके से नेतन्याहू को मार दें। आपको बता दें दोस्तों, इज़राइल के पास प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है, वो अपना डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन ये चकमा जो आयरन डोम को मिला है वो इसलिए मिला है कि ये काफ़ी महंगी मिसाइल होती है, ये एक बार मिसाइल दागते हैं तो इज़राइल का काफ़ी नुकसान भी होता है। इनको ये लगता है कि ये सिंगल चीज़ है, ये अटैक नहीं करेगी, ये कोई और चीज़ है, इनको ड्रोन जो है इनको ऐसा लगता है, तो ये अपने डिफेंस सिस्टम से मारने के लिए मिसाइल ओके ही नहीं करते हैं। और जब ये मारते नहीं है तो वो जो ड्रोन है वो कहीं ना कहीं हिट हो जाता है, इनको लगता है कि ये शायद हमारे पास आ ही नहीं रहा है, और इनको ये भी नहीं एहसास होता कि ये ड्रोन है और इससे हमला हो रहा है। तो ये अपनी मिसाइल को बचाने के चक्कर में ये नुकसान हो गया इनका, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये इन्होंने एक वीडियो में देख लिया था कि ड्रोन आ रहा है, दरअसल एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वहीं पर इज़राइल का, तो उस हेलीकॉप्टर की वीडियो बनाई जा रही थी, और जब उसकी वीडियो बनाई जा रही थी उसी में ये ड्रोन दिख गया था। तो लेकिन इन्होंने उसको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया, ये तो उनकी फोर्स ही जानेगी,
इस पर अभी कुछ और अपडेट्स आएंगी दोस्तों, तब आपको और ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ दूंगा मैं। लेकिन अभी की ये स्टेटस है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित हैं और उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उनका घर को ज़रूर डैमेज पहुँचा है। ठीक है दोस्तों, कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।